हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज के इस व्लॉग में हम ट्यूलिप गार्डन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। A few moments later. Finally, हम ट्यूलिप गार्डन पहुंच गए। अब यहां से टिकट लेंगे और अंदर दाखिल हो जाएंगे। A few moments later. तो इस तरीके से हम ट्यूलिप गार्डन में एंटर हो चुके हैं। अब हम ट्यूलिप गार्डन के मजे लेते हैं। बने रहे हमारे साथ। प्यारे दोस्तों, श्रीनगर के इस ट्यूलिप गार्डन का नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन रखा गया है। इसको 2007 में टूरिस्ट के लिए खोला गया था और यहाँ पर 46 अकसाम की यानी 46 किस्म की जो है ट्यूलिप्स उगाए जाते हैं और 74 किस्म के यहाँ पर लगभग फूल होते हैं। तो यहाँ पर हर साल हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं जो इन ट्यूलिप्स का लुत्फ लेते हैं। तो ये जो ट्यूलिप गार्डन है ये जबरमन रेंज में आता है और यहाँ से जो है डलवान में डल लेक भी वाका है। अरे दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के जो ट्यूलिप्स है उगाए जाते हैं, जिनमें लाल, गुलाबी, पीले, गुलाबी, पिंक, सफ़ेद, मरजान, काले, भूरे वगैरह, नीले फूल उगाए जाते हैं। तो आप यहाँ आइए और ट्यूलिप्स का भरपूर लुत्फ उठाइए। आप सर, सत श्री अकाल साहब जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी। जी सर, आप कहाँ से? हम बेसिकली मोहाली से हैं, चंडीगढ़ से। अच्छा सर। जी 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 सर, और कौन कौन आए आपके साथ यहाँ? मेरे साथ बच्चे हैं, इसी हैं, दो बेटे हैं मेरे, और ये हम लोग लगातार तीसरी बार आ रहे हैं। अच्छा, ओपनिंग में हम लोग हर साल आते हैं और बाई रोड आते हैं, बहुत स्पेशली इसी के लिए। ट्रैफिक में तो फंसे जी, श्रीनगर में सिर्फ टू लैप की वजह से फंसे हम लोग, है ना, सिर्फ इसकी वजह से हम लोग ट्रैफिक में फंसे। अदरवाइज रोड बहुत स्मूथली है आजकल, अच्छा हो गया। तीन दिन से हम लोग यहीं पे हैं श्रीनगर में। कहाँ पर जा रहे हैं आपसे? अभी हम लोग तो वैसे रुके तो हम लोग इधर एयरपोर्ट के नजदीक ही थे, है ना, तो सरोवर होटल में रुके थे हम लोग। तो अभी और किस किस जगह घूमे हैं आप? घूमने को हम लोग गुलमर्ग भी गए हैं। 13 तारीख को गुलमर्ग में थे हम लोग जब स्नोफॉल हुआ था, हमने लाइव स्नोफॉल भी देख लिया फर्स्ट टाइम। जी सर। तो अपना ये दूधपत्री की लोकेशन अच्छी है घूमने के लिए, बहुत ही बढ़िया है, ग्रीनरी भी है और हिल्स भी है, अच्छा व्यू है वहाँ का। गुलमर्ग के बगैर और किस गुलमर्ग गए? हम सोनमर्ग गए और पहलगाम गए हैं। पहलगाम अभी जाना है वापसी में, अभी तक गए नहीं है। कोकरना गए हैं? करना भी नहीं गया अभी। तो वो जगह भी आप एक्सप्लोर करिएगा जरूर। जी जी, कश्मीर यूजुअली सारा बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। ओके। लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए। जी जी। तो आप पूरे हिंदुस्तान किस किस जगह घूमे हैं सर? हम लोग ज्यादातर तो ज्यादा कश्मीर में मैं ज्यादातर आया हूँ। टूर करने के लिए ज्यादा यही आते हैं, ज्यादा कश्मीर ही हमें, और अपनी कार से, है ना, जब फ्री टाइम होता है। जी सर। तो अदरवाइज मैं लॉन्ग रूट में इंडिया में कहीं गया नहीं, यहाँ नादेड़ में गया हूँ वहाँ पे, है ना, बॉम्बे साइड गए हैं थोड़ा बहुत। अदरवाइज जो नजारा यहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा स्पेंड तो मैं कश्मीर में ही, इवन के मैं बोलूंगा ये तो जन्नत है। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ अगर दुनिया में किसी जगह जन्नत है वो तो कश्मीर ही है। मेरी मिसेज की कई प्रॉब्लम्स, थायराइड वगैरह ठीक हो जाते हैं जब हम लोग बाई रोड आने के बाद भी दवाई छूट जाती है। यहाँ का ऐसा मौसम है ना, यहाँ वेदर है, इवन के यहाँ जो ग्रीनरी है ना, ऐसी ग्रीनरी शायद आज की डेट में आपको पंजाब में भी मिलेगी, जो है ना माहौल है यहाँ का, लोग बहुत अच्छे हैं। तो लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो लोगों को, अगर मैं पंप में कहीं तेल डलवाने लगा हूं, तो लोकल है यहाँ के कश्मीरी, वो हमें पंजाबी देख के बोलते हैं चलो हमारे घर चलो सरदार जी, एक रात तो रुक के देखो, है ना, ऐसा यानी मेहमान नवाजी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। बहुत रिस्पेक्ट है इन लोगों के दिलों में, है ना। नहीं, पंजाब हरियाणा में कश्मीरियों को भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। ये CGC में, वहाँ मेरे नजदीक है CGC कॉलेज है मोहाली, तो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं श्रीनगर से, तो मैं कई बार आता हूं, तो है ना उनके गिव एंड टेक वाला मामला है सर। कश्मीर को वहाँ इज्जत मिलती है, आप लोगों को यहाँ मिलेगी। कश्मीर में कश्मीर के लोग तो पूरी दुनिया को इज्जत देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे वहाँ भी रहते हैं कश्मीर के, है ना, लोग जाके, तो अच्छा माहौल है। मैं तो लोगों को ये सुजेस्ट करूंगा भी आइए देखिए घूमी, ये कश्मीर तो एक जन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो फिजिकली आज विजिट कर रहे हैं, 3 साल से मैं आ रहा हूँ, सिर्फ इसी रेफरेंस में कि यहाँ आनंद है पूरा जी सर। बाकी तो ये हमारे साथ रंजीत सिंह सर कहाँ से? मोहाली से थे। तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीर आना चाहिए, टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र रावल है। आपका नाम? मेरा नाम कसीर है। जी
सर आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात नडियाद से हूँ। नडियाद साहब, मैं भी गुजरात से हूँ। अच्छा, तो तुलिप गार्डन कब आया आप? आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? हाँ। तो आप? मैं भी पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, कश्मीर किस किस जगह घूमे हैं आप सर? कश्मीर डल लेक देखे हैं। अच्छा, फिर ये टुलिप गार्डन अभी नेक्स्ट डे है हमारा। अच्छा, और आगे भी देखना। ये पहली बार ही है आपकी सर? हाँ जी, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमने का इरादा रखते हैं आप? Okay, so till now we have a plan of 5 days. So we have roamed around for Gulmarg and we have our next day plan for Sonmarg. So till now we have seen Dal Lake and right now we are at our second place and Tulip Garden. Sir, iske bagair kahan kahan jaane ka irada hai? Matlab which places you are visiting? Pura Kashmir dekhna hai bas. Haan sir, theek hai. Ye duniya ka swarg hai. Haan. Isko kabhi bhi miss karna nahi chahiye because my son is also in Canada. He always says you have to see the heaven. You can go to Kashmir and see this place. अगर फिरदौस करे जमीयत हमियत तो ये कहा गया है कि अगर दुनिया में किसी जगह जन्नत है वो कश्मीर है, वो कश्मीर है। जी सर, तो हिंदुस्तान किस किस जगह घूमे हैं आप? हिंदुस्तान में मैं राजस्थान, MP, UP, फिर महाराष्ट्र बहुत सारे स्टेट घूमे हैं। तो कौन सी डिफरेंस लगी आपको कश्मीर और बाकी प्लेसेस में? कश्मीर में ये सबसे पहले तो एक है कि इधर के ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है। जी सर, ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक फ्लावर्स ऑफ टुलिप। जी सर, एंड वी रियली एंजॉय दिस ट्रिप। जी सर, वी आर वेरी सक्सेसफुल एंड वी विल ट्राई टू सी नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। ओके सर, मैं टूरिस्ट के लिए एक ही मैसेज दूंगा जो मोदी जी देते हैं, दुनिया छोड़ो, अपने देश में ही स्वर्ग है, अपने देश में ही दुनिया है। I would like to say that it's better to roam in India itself. So there are different kind of places and you can see variety of peoples and learn so much from India itself. So you should go and visit many places. Okay sir, thank you. आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शीला। शीला मैम, आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से आए। मुंबई से कब आए आप? हम संडे के दिन आए। संडे, तो कश्मीर किस किस जगह घूमे हैं आप? हम कश्मीर में सोनमर्ग गए, गुलमर्ग गए और आज हम कश्मीर लोकल से। अच्छा, तो इससे पहले आप कभी कश्मीर आए थे? नहीं, पहले बार। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? अच्छा। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा। अभी बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ घूमने का इरादा रखते हैं आप? हमने तो अभी बहुत सारा टूर किया है। हाँ, अब हमारा तो बहुत सारा मोस्ट ऑफ इंडिया कवर हो गया है। और हम कश्मीर तो पहली बार आए और स्पेशली हम ये ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए आए हैं, ये हमें देखना था। हाँ, तो और किस किस गार्डन घूमने का इरादा रखते हैं? अभी तो हम जाएंगे इसके बाद शालीमार निशान, पहलगाम। पहलगाम तो हम कल जाएंगे। कल, मतलब वो आप जाने का इरादा रखते हैं? हाँ हाँ। तो हमारे टूरिस्ट्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए कोई मैसेज? यही है कि बहुत अच्छा सिटी, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जी, हमारा उन्होंने बहुत अच्छा देखभाल किया है, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। जी, पहले तो लोग कश्मीर आना डरते थे, लेकिन अब खुल के आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कितने सारे टूरिस्ट हैं, तो बहुत, हाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। बहुत बढ़िया जगह है सचमुच, ये हेवन ऑन अर्थ है जो बोल रहे हैं। सचमुच आपने देखा कि ये रियली हेवन ऑन अर्थ। तो कश्मीर को कहा ही गया है अगर फिरदौस बगवे हमियत 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 हमियत, अगर दुनिया में किसी जगह जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। थैंक यू। यहाँ पर जाने का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्वल है और मैं पंजाब चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी, हमारे यहाँ एक दो टूरिस्ट थे पंजाब से, उनका इंटरव्यू होगा। तो मैम ये आपका कौन सा एक्सपीरियंस है, यानी आप इससे पहले कभी आए थे? हाँ, मैं 2010 में अपनी फैमिली के साथ आई थी। अच्छा। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, मतलब ये जो हम इस बार जो आए हैं, मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड साथ में आए हैं, तो हम लोग स्पेशली टूलिप गार्डन आए हैं, क्योंकि जो ट्यूलिप गार्डन की ब्यूटी है अमेजिंग है। मतलब ऐसी जिसको बोलते हैं ना स्वर्ग, कवाचित कश्मीर में तो किस किस जगह घूमे आप? श्रीनगर में मोस्टली मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया हमने। मेरी एक्चुअली मेरी 5th विजिट है।
तो हमने यहाँ सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और नहीं वो नहीं, वो अब नेक्स्ट टाइम ग्रेज वैली वगैरह ये जो पहलगाम भी गए पहलगाम भी हम गए और गुलमर्ग भी गए हैं, सोनमर्ग भी गए हैं, भूपट्टी भी गए हैं और मैक्सिमम प्लेसेस ऑफ कश्मीर कर लिए। लेकिन हमारी अभी एक ग्रेज वैली और एक दो वैलीज हमें और बताई गई है कि बहुत अच्छी ब्यूटी है तो हम वो एक्सप्लोर करते हैं। जो आपके साथ मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड है वो जस्ट अपनी वो करवा रही है वीडियो शूट करवा रही है तो मैम अभी थोड़ा छोड़ने के लिए गया तो आज का तो मैं आपको ठीक ठीक बहुत शुक्रिया आपका। नहीं अभी और एक दो क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, तो कौन कौन सी जगह इस साल आपने फिक्स की है जाने के लिए? अभी नेक्स्ट तो हमारा लेह लद्दाख का है। अच्छा, अभी जस्ट हम लास्ट मंथ बाली से घूम के आए इंडोनेशिया में। यानी इंटरनेशनल विजिट भी आप कर चुके हैं? कहाँ कहाँ किस किस कंट्री को? मैं हमने मैं तो अभी दुबई और इंडोनेशिया गया और मैम जो है उनके तो बच्चे यूएसए में है तो न्यूजीलैंड मेरे बच्चे न्यूजीलैंड में। मैम कहाँ से है? मैम भी चंडीगढ़ से। ठीक है, तो चंडीगढ़ के जो लोग हैं उनका कश्मीर में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कश्मीर के लोग ही बहुत अच्छे हैं। सच में बताऊँ तो हमें जो यहाँ की ब्यूटी है ना वो अट्रैक्ट करती है। यहाँ के लोग जो मेरे को पहले बहुत हो गया था कि पता कश्मीर में क्या है लेकिन यहाँ आते तो सब भूल गया तो लगता कश्मीर अपना ही। तो लोग मेरे फ्रेंड भी आ गए हैं तो वो आप भी जी जी आए मैम जी जी आपका नाम क्या है? हाँ जी जी आपका कितना यानी कोई इससे पहले आप कश्मीर आए थे? हाँ कश्मीर आए थे लेकिन ये टूलिप गार्डन मेरी बकेट लिस्ट में था, टॉप में था, मुझे ये ज़रूर देखना था तो हमने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला बिकॉज ये थोड़े टाइम के लिए होता है। We never wanted to miss this. जी बहुत so now we are enjoying. इसके बगैर यानी टूलिप गार्डन के बगैर किस किस जगह घूमे आप? हम लोग गुलमर्ग, पहलगाम एंड और लोकल सारा हमने देखा। अब कल हम सोनमर्ग और दूध पत्री वगैरह जाने वाले हैं, दूसरी साइड एक्सप्लोर करेंगे। आप दो हैं साथ? हाँ मेरे हस्बैंड आए हैं, इनके हस्बैंड को थोड़ा इलेक्शन ड्यूटी करके शेड्यूल नॉट एबल टू कम वो नहीं आए तो ये आ गए। अच्छा, इसके बगैर किस किस जगह आपको जाना है इस साल? इस साल हम लेह लद्दाख, हमने सितंबर की ऑलरेडी बुकिंग करा दी है तो हम लेह लद्दाख जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल अभी हम बाली जाते हैं लास्ट मंथ। दुबई भी जाए? दुबई तो हाँ, दुबई हम 2016 में गए थे तो बाकी हमारे बच्चे यू एस रहते हैं तो यहाँ पर हम जाते रहते हैं। बिल्कुल आए जी, ये हेवन है, दिस इज हेवन ऑन अर्थ। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा लाइफ में, अपना टाइम निकाल के जरूर आइए।